इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन, इत्तेहाद न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं मुस्लिम लीडरशिप के में बढ़ते हुए जवाल के उन्वान पर। देश और रियासत में बहुत अरसे से देखा जा रहा है कि कौम और मिल्लत में सही लीडरशिप का ना होना एक संगीन मसला बनता जा रहा है, जिस पर गौर व फिक्र करना मिल्लत के रहनुमाओं और दानिश्वरों पर फ़र्ज है और मौजूदा वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सबसे पहले मिल्लत के रहनुमाओं को लीडरशिप के चुनने के पैमाने को बदलने की ज़रूरत है। अब तक मुशाहिदा ये रहा है कि लीडरशिप की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को सौंपी जा रही है जो अमीर हैं या तो दबंग किस्म के हैं, जिसका खमियाजा कौम को ये भुगतना पड़ रहा है कि ऐसे लीडर मनसब पर पहुंचने के बाद मतलब परस्त बन जाते हैं और कौम और मिल्लत का पुरसान हाल कोई नहीं रह जाता। हालांकि हकीकत तो ये है कि कौम के दानिश्वरान चाहें तो सही और मुत्तकी शख्स को उस मनसब तक पहुंचा सकते हैं जहां से अवामी खिदमात के बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं और अच्छाई की दावत का सबब बन सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मिल्लत के रहनुमा बात पहुंचाने के हर प्लेटफॉर्म पर बुराई से रोकने और अच्छाई की दावत की बात करते हैं, पर जब सही काम करने का वक्त आता है तब मादा प्रस्त और मटेरियलिस्टिक बन जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इससे कौम और मिल्लत का कितना बड़ा नुकसान होता है और आने वाली पीढ़ी को इसका कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आज की पीढ़ी के किए गए अच्छे काम का फ़ायदा आने वाली पीढ़ी को होता है। आज जो भी अच्छाई हम देख रहे हैं वो सब हमारी पिछली पीढ़ियों की कुर्बानियों का सिला है। हम सब जानते हैं कि हमारे बड़ों ने हमारी सुख शांति के लिए अपनी जान, माल और वक्त की कुर्बानी दी है। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मौजूदा बुरे हालात के अक्सर अफराद इतने मादा प्रस्त और मतलबी हो चुके हैं कि अपने मतलब के लिए कौम व मिल्लत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर चुके हैं। अक्सर देखा गया है कि जो लोग कौम और मिल्लत की भलाई और फिक्रमंदी की बात करते हैं, अच्छी लीडरशिप होने की बात करते हैं, वही लोग अच्छे लोगों की टांग खींचने में माहिर होते हैं। अफसोस के हसद और टांग खींचने वाला मामला हर शोबे में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो दीनियात की तालीम का शोबा हो या खिदमत खल्क का हो, चाहे अदबी हलका हो या सियासत का शोबा या फिर सहाफत का शोबा हो। अफसोस तो बहुत होता है जब अदबी शोबे में रहने वाले और अदब की बात करने वाले टांग खींचने और हसद और जलन का इर्तकाब करते हैं। बात सहाफत की भी कुछ अलग नहीं है, वैसे सहाफत के शोबे में हैं तो बहुत कम लोग, पर यहाँ भी खींचातानी और हसद कुछ कम नहीं है। वैसे हर कोई अपनी मेहनत और कोशिश से आगे ज़रूर बढ़ता है और दूसरों को भी मदद करने से अल्लाह और आगे ही बढ़ाता है, पर इंसान है कि हसद की वजह से दूसरों के लिए भी रुकावट का सबब बनता है और अल्लाह की निगाह में भी गिर जाता है। जिस तरह से देश और दुनिया में हालात चल रहे हैं, ज़रूरत इस बात की है कि मादा परस्ती और टांग खींचने वाली हरकतों को छोड़कर, अपनी अना और ईगो को छोड़कर खुद भी अच्छे कामों में आगे बढ़ना है और टैलेंटेड लोगों को उनके टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ाना है। तब जाकर हम अपनी और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ
करके अपना हक अदा कर सकते हैं और यही अच्छाई को देखकर आने वाली पीढ़ी हमको अच्छे नाम से याद रखेगी, वरना अपना नाम कौम को बर्बाद करने वालों में शुमार हो सकता है। इतिहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।